गाइस, मेरा नाम जितेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्नो चैट रूम बात काम की। गाइस, इस वीडियो में बहुत ही कमाल की ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसका यूज करके आप जेपीजी या पीएनबी फाइल को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर एक आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा समय लगता है और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन अगर हम इमेज को कन्वर्ट कर लेते हैं या ट्रेस कर लेते हैं तो हमारा समय भी बचता है और मेहनत से भी हम बच जाते हैं और उसमें हम कुछ चेंजेस आसानी से कर भी सकते हैं। तो ये काम मैं आपको कोरलड्रॉ में करके दिखा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है कोरलड्रॉ में। तो यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आपको उस इमेज को यहाँ पे इम्पोर्ट करके लाना है जिसको आप वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अशोक चक्र की इमेज को ले रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जब आप इंपोर्ट करते हैं और ड्रैग करेंगे तो इमेज आपके सामने आ जाएगी कैनवास पे। तो अभी हम इस इमेज की एक कॉपी और बना लेते हैं जिससे कि हम बाद में इसको कंपेयर कर सकें। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी कॉपी बनाने के लिए कीबोर्ड से प्लस की को प्रेस करेंगे तो इसकी एक कॉपी और बन जाएगी। तो अभी हम इसको थोड़ा बाहर कर देते हैं कैनवास से और इसको सेंटर में ले लेते हैं। तो देखिए, जब आप इमेज को कन्वर्ट कर लेते हैं वेक्टर में तो उसकी आप शेप को या फिर उसमें कलर को चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करा सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो वो सभी हम अभी करके भी देखने वाले हैं। तो अब हमें अगर इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो कोरलड्रॉ में एक ऑप्शन है जिसका नाम है ट्रेस बिट मैप। ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेस बिट मैप का एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है जब आप इमेज को सेलेक्ट करते हैं, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्विक ट्रेस का एक ऑप्शन मिल जाएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपके सामने एक ऐसा मेनू ओपन हो रहा है तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपकी जो इमेज है उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसको हम रिड्यूस करेंगे, यानी कि कोरलड्रॉ इसको ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर लेगा और ट्रेस कर देगा। तो ऐसा कुछ इमेजेस के साथ हो सकता है जिनका साइज बड़ा होगा। तो उसमें आपको सिंपली करना क्या है, जो रिड्यूस बिट मैप का जो बटन है जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे आप कि कुछ सेकंड के लिए प्रोसेस होगी और आपकी जो ये इमेज है ये कन्वर्ट हो जाएगी वेक्टर में। तो अभी आपने देखा कि ये इमेज वेक्टर में कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और ये जो हमारी वेक्टर इमेज है इसको हम सेंटर में ले आते हैं। तो अब हम जूम करके देखते हैं, ये देखिए आप पिक्सल्स नहीं फट रहे हैं इसमें। और अगर आप इससे कंपेयर करते हैं जेपीजी से तो आप देखेंगे कि ये देखिए इसके पिक्सल्स फट रहे हैं कॉर्नर पे, तो ये मेजर डिफरेंस होता है। तो अभी हम इसकी शेप और कलर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो सर्कल है ये अंडाकार हो रखा है, ये प्रॉपर गोल है नहीं। तो इसको हम पहले गोल करते हैं। ये आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब भी आप किसी इमेज को वेक्टर में ट्रेस करते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ग्रुप बन जाता है, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट में अब डिवाइड हो सकती है तो इसलिए ये ग्रुप बन जाती है। तो अभी हम सिंपल क्या करेंगे, पहले इसको अनग्रुप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अनग्रुप के दो ऑप्शन है, अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स और दूसरा ऑप्शन है हमारा अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो अभी हमको क्या करना है, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डार्क ब्लू कलर का सर्कल है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और फिर से हम इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे और सेंटर पे सिंगल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एरो चेंज हो जाएगा, इससे हम इमेज को अप डाउन कर सकते हैं, यानी कि उसका शेप चेंज कर सकते हैं। तो हम फिलहाल नीचे थोड़ा करते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत शेप में आ जाएगा ये। उसके बाद हम दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे और बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा, जिससे कि ये प्रॉपर सर्कल में आ जाए। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो सेंटर वाला सर्कल है वो थोड़ा बहुत आ चुका है। तो अभी हम एक बार और इसको ऊपर से भी थोड़ा कर लेते हैं, ये देखिए। तो अभी हमारी ये जो इमेज है वो ऑलमोस्ट सर्कल में आ चुकी है, यानी कि शेप में आ चुकी है। तो अभी थोड़ा फाइनल टच दे देते हैं इसको, हल्का सा बाहर और ये। अब आइए इसका कलर चेंज करते हैं, सिंपल है, सेलेक्ट करना है और जिस भी कलर में आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, ब्लैक में, रेड में, येलो में, ग्रीन में, ब्लू में, किसी में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ ब्लैक में करके देखते हैं। तो अभी कुछ रह रहे हैं पार्ट्स इसके कलर करने को, तो आप वन बाय वन सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं या फिर आप शिफ्ट की प्रेस करके रखिए कीबोर्ड से और सभी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करते रहिए जिन जिनको आपको कलर करना है या फिर कलर उनके चेंज करने हैं, एक ही बार में ब्लैक हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितना आसान है
कॉरल ड्रॉ में इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट करना, यानी कि जेपीजी से वेक्टर में कन्वर्ट करना, और वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद आप उसकी शेप और कलर चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप इस इमेज को एक्सपोर्ट करके किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो काम का लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो काम का लगा है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे टेक्निकल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल टेक्नो चैटर को सब्सक्राइब कर लें। अब आप सभी वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।